नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट टारगेट विद आलोक में। मैं आर कुमार। दोस्तों, कभी कभी विपरीत परिस्थितियां भी हमारे लिए बहुत ही अनुकूल रास्ता बनाती हैं। हम बार बार यही कहते हैं कि परीक्षाओं के लिए हमें वक्त नहीं मिलता, बहुत जल्दी परीक्षाएं हो जाती हैं। तो लीजिए, आपके पास वक्त है, बस केवल पढ़ते रहिए, निरंतर पढ़ाई करते रहिए। निरंतर पढ़ने से आपका सिलेबस भी मजबूत होगा और परीक्षा के लिए जो आपकी तैयारी है बहुत ही सुलभ हो जाएगी। बहुत दिनों बाद हम मिल रहे हैं और आज हम बात करेंगे सीटेट की परीक्षा के लिए जो आपका सिलेबस है। यानी कि आपको पता है मैं साइंस पढ़ाता हूं, तो सीटेट में कुछ साइंस पूछता है, और आज मैं आप सभी से सीटेट की उसी विषय वस्तु पर बात करूंगा जहां से प्रश्न बना हुआ है। और मैं आज आप सभी से कुछ टॉपिक की चर्चा भी करूंगा, और ऐसा टॉपिक जो आपको पढ़ने में मजा आएगी और आप हंसते भी रहेंगे, पढ़ते भी रहेंगे और याद भी कर लेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज जिस टॉपिक पर हम लोग डिस्कस करेंगे उस टॉपिक से सीटेट की परीक्षा में प्रश्न अवश्य पूछे गए हैं और आगे निरंतर पूछे जाएंगे। तो जैसा कि मैंने आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है, जो आपका सिलेबस है, जो आपकी विषय वस्तु है पर्यावरणीय अध्ययन, और इसमें विज्ञान का जो सिलेबस पूछा गया है, या यहाँ देखिए सिलेबस मैंने लिख दिया है। विषय वस्तु आपके सामने है, पहला पॉइंट्स आपका सजीव, ठीक है ना, लिविंग। उसके बाद क्या है, सजीव जगत है। सजीव जगत का मतलब यह है, देखिए अगर हम बात करें सजीव की, तो सबसे पहले इसमें हम सजीव के लक्षण पढ़ेंगे। आपने देखा होगा प्रश्न पिछली बार परीक्षा में पूछा गया था, ये ऐसा कौन सा पक्षी है जो झटके से अपना गर्दन पीछे कर लेता है, या ऐसा कौन सा पक्षी है जो अपना गर्दन लगभग 360 डिग्री तक घुमा सकता है, या ऐसे कौन कौन से पक्षी होते हैं जो एक ही बार में दो वस्तुओं को देख पाते हैं। ऐसे क्वेश्चन निरंतर पूछे गए हैं या लगातार पूछे गए हैं विभिन्न जंतुओं के श्वसन अंगों के बारे में, या प्रश्न ऐसे पूछे गए हैं कि रात्रिचर यानी कि नॉक्टर्नल एनिमल रात में कैसा देख पाते हैं, आपको पता होगा काला और सफेद देख पाते हैं, ऐसे क्वेश्चन निरंतर पूछे गए हैं, या अनुक्रियाएं क्या क्या होती, उद्दीपन क्या क्या होते हैं, सजीव के लक्षण क्या हैं, ये हम इसी में चर्चा करेंगे, ठीक है। उसके बाद सजीव जगत, सजीवों को कितने भागों में बांटा गया है, यहाँ से प्रश्न बनता है कि सबसे छोटा जंतु कौन सा, या अमीबा, युगलीना, जीवाणु के बारे में बहुत सारे प्रश्न यहाँ से बनते हैं। फिर देखिए भोजन, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता। अगर हम भोजन की बात करें तो संपूर्ण आहार क्या होता है, संतुलित आहार क्या होता है, या ऊर्जा देने वाले भोजन कौन कौन से हैं, निरंतर वृद्धि और विकास कराने वाले भोजन कौन कौन से हैं, स्वच्छता हम कैसे अपनाएं, गीला कूड़ा क्या होता है या सूखा कूड़ा क्या होता है, इस प्रकार से जो प्रश्न हैं लगातार बने हुए हैं परीक्षाओं में। फिर अगर हम देखें तो थोड़ा सा भौतिकी की तरफ मूव करता है आपका, आपकी ये विषय वस्तु, जैसे कि जल, तो जल क्या है, या जल शरीर में क्या करता है, शरीर में कितना जल आवश्यक है, शरीर के कौन कौन से अंगों में कितना परसेंट जल पाया जाता है, शुद्ध जल क्या है, अशुद्ध जल क्या क्या होता है, कठोर जल क्या है, मृदु जल क्या है, या जल से होने वाली बीमारियां कौन कौन सी होती हैं, जल को हम किस प्रकार से शुद्ध कर सकते हैं, जैसे क्लोरीन का उपयोग करके, पोटेशियम परमैंगनेट का उपयोग करके, ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग करके, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। दूषित जल से कौन कौन से बीमारियां होती हैं, आपको पता होगा हैजा होता है, डायरिया होता है, सब बीमारियां दूषित जल से होती हैं। वायु, तो वायु क्या है, वायुमंडल क्या है इसके बारे में, या वायु का संगठन क्या क्या होता है, कौन कौन सी गैसें हमारी वायु में पाई जाती हैं। जैसा कि आपने पढ़ा होगा सबसे अधिक वायुमंडल में कौन सी गैस होती है, नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन। तो दोस्तों इस प्रकार से प्रश्न यहाँ बना हुआ है, चर्चा करेंगे इस पर हम। ऊष्मा से निरंतर प्रश्न पूछा गया है, तापमान के बारे में, या ऊष्मा के स्थानांतरण के बारे में, या किरचाफ का नियम, जैसे कि हम धूप में सफेद कपड़े पहनते हैं तो हमें आराम मिलता है, ऐसा क्यों होता है, या फिर हम जब ठंडी के मौसम में लोहे की कुर्सी पर बैठते हैं तो अचानक उठ जाते हैं, ऐसा क्यों होता है। तो बहुत सारे क्वेश्चन। अगर हम प्रकाश की बात करें तो क्वेश्चन यहां से पूछता है कि आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, या सूर्यास्त और सूर्योदय के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है, खतरे के निशान में, ट्रैफिक सिग्नल में हम लाल रंगों का प्रयोग क्यों करते हैं, ये क्वेश्चन प्रकाश से बनता है। अगर बात करते हैं हम ध्वनि की, तो दोस्तों ध्वनि की चाल कितनी होती है, ग्रीन मफलर आपने सुना होगा, ध्वनि को अवशोषित करने वाले पेड़ पौधे कौन कौन से होते हैं, तो विविध प्रकार के प्रश्न यहाँ से बनते हैं।
अगर हम बात करें आखिरी में, तो देखिए तत्व है इंपॉर्टेंट एलिमेंट, जैसे सबसे भारी तत्व कौन सा, सबसे हल्का तत्व कौन सा, सबसे भारी गैस कौन सी होती, सबसे हल्की गैस कौन सी होती है, ठीक है ना। तो ऐसा कौन तत्व है जो ऑक्सीजन से क्रिया करने के बाद जलने लगता है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपके तत्व से आएंगे। देन दोस्तों दिया हुआ मिक्सचर, यहाँ हम कंपाउंड की बात करेंगे आप सभी से। कंपाउंड जैसे कि क्वेश्चन पूछ सकता है कि धावन सोडा क्या है, या आपसे पूछ सकता है कि हाइपो किसे कहते हैं, या आपसे पूछ सकता है कि खाने वाला सोडा क्या होता है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस यहां से बन सकते हैं। तो ये आपकी विषय वस्तु है जो सीटेट के लिए बहुत अनिवार्य है, और मैं समझता हूं लगभग 8 से 10 क्वेश्चन आपके इसी विषय वस्तु से पूछे जाएंगे। सीटेट की परीक्षा में आपको पता होगा कि प्रत्येक विषय में शिक्षण बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अगर आपने शिक्षण अच्छे ढंग से पढ़ लिया, तो आपके हर विषय में 15 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो केवल शिक्षण से आते हैं। यहाँ टारगेट विद आलोक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट में आपको प्रत्येक विषय में प्रत्येक अध्यापक आपको शिक्षण भी पढ़ाएगा। शिक्षण पढ़ाने के बाद उस पर प्रैक्टिस भी होगी। जब आप प्रैक्टिस करोगे, लगातार पढ़ोगे, तो कहीं से भी आप ये पॉइंट भूल नहीं पाओगे। और सीटेट दोस्तों इतनी आसान परीक्षा नहीं होती है। सीटेट में जो प्रश्नों के पूछने का तरीका होता है वो बिल्कुल यूपीएससी के बराबर होता है। तो आप समझ सकते हो कि आपको किस तरह से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। समय है, लगातार पढ़िए, आप लोग जुड़े रहिए हम लोगों से, आपको बेहद अच्छी जानकारी मिलेगी। और जानकारी ही नहीं, बल्कि आप लोगों को हम अपने टारगेट तक पहुंचा देंगे। चलिए दोस्तों आज बात करते हैं हम सजीव पर। देखिए पहला हमारा पॉइंट है सजीव। आखिर सजीव है क्या? जब भी हम बाहर देखते हैं तो हमारे आसपास तमाम गाड़ियां, मोटर गाड़ियां, बसेज, पेड़, जंतु जानवर, इंसान, कीड़े मकोड़े, जीवाणु विषाणु, कवक, बहुत सारी चीजें दिखाई देती हैं। तो हम कैसे अंतर कर पाएंगे कि कौन सा सजीव है, कौन सा निर्जीव है? तो सजीव और निर्जीव में हमको अंतर करना है। देखिए बहुत बेसिक पॉइंट है, आप सबको पता होगा, लेकिन जब मैं पूछता हूं कि सजीव और निर्जीव में क्या अंतर होता है, तो बहुत सारे लोग बता नहीं पाते हैं। आप कमेंट के लिए आमंत्रित हैं। सजीव और निर्जीव में जो भी आपको अंतर पता हो जरूर बताइए। जैसे हम जानते हैं जो सजीव होते हैं उनको भोजन की आवश्यकता होती है, सजीवों में श्वसन क्रिया होती है, सजीवों में प्रजनन होता है, सजीवों में जीवन भर वृद्धि और विकास होता है, बहुत सारी क्रियाएं होती हैं। मेरे हाथ में ये मार्कर पेन है, इस मार्कर पेन और मैं, ये मेरे और मार्कर पेन में दोनों में क्या अंतर है, यानी इस पेन में और मेरे में क्या अंतर है? देखिए दोस्तों, अब ये जो मार्कर पेन है, अगर इसको हम किसी अलमारी में बंद कर दें, तो ये पेन सालों साल ऐसे ही रहेगा, इस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को हम किसी कमरे में 10 दिन बंद कर दें, तो क्या होगा? प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। सोचिए, अब यही पेन है, इसको हम धूप में, बिल्कुल धूप लगती है इस समय दोपहर की, इसको धूप में हम बाहर छोड़ दें, तो क्या लगता है कि चिल्लाएगा, अरे मम्मी दर्द हो रहा है? या इसको हम काटे पीटेंगे, इसको मारेंगे, काटे पीटेंगे, चिल्लाएगा, अरे मम्मी दर्द हो रहा है? लेकिन अगर किसी व्यक्ति को बाहर बैठा दे धूप में, 2 घंटे सूख जाएगा, सूखा आम बन जाएगा। सोचिए मैंने क्या बोला, इसको काटे पीटेंगे तो क्या रोएगा, मम्मी मम्मी दर्द हो रहा है? नहीं। लेकिन अभी आप मस्ती से खड़े हो, कोई व्यक्ति आता है सुई लेकर के और आपको चुभो देता है, यहां से कूद के वहां चले जाओगे। क्यों? क्योंकि आप में संवेदनशीलता होती है, तापमान घटता बढ़ता उसका हम अनुभव करते हैं, ठंडी गर्मी का अनुभव करते हैं, लेकिन ये पेन ठंडी गर्मी का अनुभव नहीं करता। तो सजीवों के लक्षण क्या क्या होते हैं, मैंने आपको स्लाइड के द्वारा समझाऊंगा। यहां पर दोस्तों देख सकते हो आप सजीवों के लक्षण। तो हम सजीव की बात कर रहे हैं, जैसा कि पेड़ पौधे, मनुष्य, जंतु जानवर, कुछ सूक्ष्म जीव जैसे कि जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, ये सभी क्या है? सजीव हैं। लेकिन विषाणु, ये सजीव और निर्जीव दोनों के बीच की कड़ी है, ये दोनों व्यवहार करता है। अगर विषाणु किसी शरीर में है तो वह सजीव व्यवहार करेगा, और शरीर से बाहर है तो निर्जीव का व्यवहार करता है। सजीवों के लक्षण कौन कौन से हैं, ये आपके सामने है। जैसा कि आप देख सकते हो कि सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। जितने भी सजीव हैं, चाहे वो पेड़ पौधे हो, कोई जंतु जानवर है, सबको भोजन की आवश्यकता होती है। पेड़ पौधे फोटोसिंथेसिस की क्रिया के द्वारा अपने भोजन का निर्माण करते हैं, वहीं पर सभी जंतु जानवर पेड़ पौधों से ही प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। कुछ जंतु ऐसे हैं जो केवल पेड़ पौधों को खाते हैं, कुछ जंतु ऐसे हैं जो पेड़ पौधों और जंतुओं दोनों को खाते हैं। तो इस भोजन के आधार पर शाकाहारी, सर्वाहारी, मांसाहारी, तमाम प्रकार के प्रकार से इसको बांटा गया है, स्वपोषी और परपोषी में।
ठीक है, तो सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है और सजीव क्या करते हैं, श्वसन करते हैं। जी हाँ दोस्तों, श्वसन क्रिया के बाद ही अंतिम रूप से ऊर्जा प्राप्त होती है। आपने पढ़ा होगा कि जब हम भोजन करते हैं तो वह ग्लूकोज में टूट जाता है और वही ग्लूकोज जब माइटोकांड्रिया में ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में हमको ऊर्जा मिलती है। यानी श्वसन क्रिया से ही अंतिम रूप में क्या होता है, हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। और भिन्न भिन्न सजीव में श्वसन अंग क्या होता है, उनका अलग अलग होता है। फिर सजीवों में उत्सर्जन होता है। दोस्तों भोजन के पाचन के बाद, श्वसन क्रिया के बाद, रक्त परिसंचरण के बाद सजीवों के शरीर में कुछ ऐसे विषैले पदार्थ निकलते हैं, ऐसे विषैले पदार्थ उत्पन्न होते हैं जिनको शरीर से बाहर करना आवश्यक होता है। अगर इन विषैले पदार्थों को शरीर से बाहर ना किया गया तो व्यक्ति या सजीव की मृत्यु हो सकती है। जितने जंतु हैं, मनुष्य हैं, उनमें उत्सर्जी अंग क्या क्या होता है, त्वचा है या कृत है या फिर किडनी है, तो इन सभी के द्वारा सजीव उत्सर्जी पदार्थों को शरीर के बाहर कर देते हैं। और पेड़ पौधों में भी कुछ विशेष स्राव के द्वारा उत्सर्जी पदार्थों को बाहर किया जाता है। फिर सजीव में उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया होती है। दोस्तों उद्दीपन क्या है और अनुक्रिया क्या होती है, देखिए हमारे वायुमंडल में परिवर्तन होते रहते हैं। जैसे बाहर निकलेंगे तो हम धूप होगी, धूप लगेगी। अब जब हमको धूप लगती है तो हमको तुरंत मालूम पड़ जाता है त्वचा के द्वारा कि हमको धूप लग रही है, यह उद्दीपन है। और जब हम उस धूप के विरुद्ध क्या करते हैं, छाता लगाते हैं, यह अनुक्रिया है। तो देखिए जैसे कि छुई मुई का पौधा आपने देखा होगा, गुल मेहंदी का, जैसे ही छूते हैं तुरंत वह सिकुड़ जाता है। और जब कोई हम ऐसा व्यंजन देखते हैं जो बड़ा मनपसंद हमारा होता है, जैसे चाट फुल्की चाउमीन, तो उसको देखते ही मुंह में क्या आता है, पानी आ जाता है। तो दोस्तों ये सब उद्दीपन होते हैं। कुछ फूल ऐसे हैं जो सूर्य के ढलने पर तुरंत छिप जाते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो अब देखिए सजीव में क्या, सजीव जो है गति करते हैं या फिर सजीव में अनुक्रिया होती है। अगर दोस्तों हम अनुक्रिया की बात करें, जितने भी सजीव हैं सभी सजीवों में कुछ न कुछ सेंसरी आर्गन होते हैं, संवेदी अंग होते हैं जो उनको सूचना प्रदान करते हैं, जैसे कि त्वचा, जीभ, कान, नाक, आंख। इन सब से क्या होता है कि हम जो है अनुभव करते हैं वस्तुओं का, कि हम क्या सुन रहे हैं, क्या देख रहे हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। फिर देखिए सजीव गति करते हैं, यहां से प्रश्न बना हुआ है। सजीव दोस्तों गति करते हैं, जैसे कि हम लोग हैं अब अपना हाथ हिलाते हैं, पैर हिलाते हैं, क्यों, क्योंकि हमारी सभी हड्डियों में क्या है, ज्वाइंट्स हैं, जोड़ है, इसलिए अपना हाथ पैर हम हिला सकते हैं। मैंने आपसे कहा था कि उल्लू अपना गर्दन पीछे कर लेता है, पूरा पीछे 360 डिग्री तक। या देखिए पक्षियां जो होती हैं अपना गर्दन झटके से घुमाती हैं, खासकर मैना। और दोस्तों कुछ ऐसे प्राणी हैं जो रेंग कर चलते हैं, रेंग कर गति करते हैं, जैसे कि सभी सरीसृप, रेप्टाइल्स, सांप वगैरह। कुछ ऐसे जीव हैं जो फुदकते हैं, जैसे मेंढक यहां से कूदता है वहां पहुंच जाता है। कुछ ऐसे जीव हैं जो उड़ते हैं, जैसे पक्षियां क्या है, उड़ती हैं, लेकिन कुछ पक्षियां होते हुए भी नहीं उड़ पाते, जैसे पेंगुइन और शुतुरमुर्ग, ये कभी उड़ नहीं सकते हैं। और दोस्तों अगर बात करें मेंढक की, तो मेंढक तैरता भी है, फुदकता भी है। तैरता कैसे है, क्योंकि जो उसकी पदंगुलियां होती हैं वो क्या होती हैं, आपस में सटी होती, तो वो क्या करता है, उसी से तैरता रहता है, जैसे बतख की होती है, ठीक है ना। तो सजीव में गति होती है, इस बात का आप विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा। और अगर आगे बढ़े तो सजीव में प्रजनन होता है। सजीव क्या करते हैं भाई, अपने ही समान एक नए बच्चे को जन्म दे सकते हैं। ये पेन क्या है, अगर इसको आप, क्या ये भी बच्चे पैदा कर सकता है, नहीं, इसका मतलब ये सजीव नहीं है, ये निर्जीव है। तो सजीवों में प्रजनन की क्रिया होती है। प्रजनन के आधार पर सजीव को हम दो भाग में विभाजित करते हैं, जैसे एक होता है वीपी पैरा, एक होता है वीवी पैरा। दैट मीन्स एक है जरायुज, जिनके कान बाहर होते हैं, शरीर पर बाल होते हैं, वो सीधे बच्चे को जन्म देते हैं। एक होते हैं अंडयुज, वीवी पैरा, ये ऐसे होते हैं जिनके कान शरीर के अंदर होते हैं, शरीर पर बाल नहीं होते, और ये सीधे अंडे देते हैं। जैसे कि पता होगा आप सभी को, सांप हैं, पक्षियां हैं, मेंढक वगैरह हैं, ये सीधे अंडे देते हैं। यह बात आपको अच्छी तरह से संज्ञान में रखनी है। सजीव में जीवन भर वृद्धि और विकास होता है। गाइस अगर हम बात करें सजीव में जीवन भर वृद्धि और विकास किस प्रकार से होता है, जैसे आपको चोट लगती है तो घाव भर जाता है। कोई वृक्ष है, कोई पौधा है, उसकी टहनी आप तोड़ दीजिए तो अपने आप क्या होगा, उसके घाव, मतलब बगल से उसकी पत्तियां निकल जाएंगी। तो सजीव में जीवन भर वृद्धि और विकास होता है, और सजीवों में क्या होती है, मृत्यु होती है।
तो सजीवों के प्रमुख लक्षण यही हैं, लेकिन इन लक्षणों से विशेष प्रकार के अलग अलग प्रश्न पूछे गए हैं, हम उस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन कुछ पॉइंट्स हम आइए समझ लेते हैं। जैसा कि सजीव का जो पहला सिम्टम है वो क्या है, सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। तो मैंने आपको बताया दोस्तों, सजीव दो प्रकार के होते हैं, एक स्वपोषी एक परपोषी। जो स्वपोषी होता है उसको हम कहते हैं ऑटोट्रॉफ, अर्थात पेड़ पौधे। देखिए पेड़ पौधे वे सजीव हैं जो अपने भोजन का निर्माण सूर्य के प्रकाश, मिट्टी, वायु तथा कुछ खनिज पदार्थों की सहायता से करते हैं, यानी ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इनको हम स्वपोषी कहते हैं। फिर देखिए इन्हीं पेड़ पौधों से कुछ ऐसे जंतु होते हैं जो इनसे भोजन प्राप्त करते हैं, तो उनको हम प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं या उनको हम शाकाहारी कहते हैं। जैसे कि आपको पता है गाय, जिराफ, खरगोश, ठीक है ना, ये सभी क्या होते हैं, ये सभी शाकाहारी हैं या इनको हम प्राथमिक उत्पादक कहते हैं। देखिए सभी जीवधारी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इसी पौधे से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, ठीक है ना। जैसे गाय है, जिराफ है, खरगोश है, हाथी है, ये सभी ऐसे जीवधारी होते हैं जो सीधे पेड़ पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। उसके बाद द्वितीयक उपभोक्ता, इसको हम मांसाहारी कहते हैं, जैसे कि शेर है, बाघ है या हाइना है, लकड़बग्घा जिसको बोलते हैं, ये सब होते हैं। ये डायरेक्ट पेड़ पौधों से भोजन प्राप्त नहीं करते, बल्कि ये प्राथमिक उपभोक्ताओं अर्थात शाकाहारियों द्वारा अपना भोजन प्राप्त करते हैं। यानी कभी भी ये शेर या बाघ या चीता कभी भी पेड़ को नहीं खाएगा, वो जब भी खाएगा किसको खाएगा, प्राथमिक उपभोक्ता को खाएगा। यानी अगर ये पेड़ पौधे नहीं होंगे तो गाय, जिराफ, खरगोश नहीं होगा, और अगर गाय, जिराफ, खरगोश नहीं होगा तो शेर, बाघ और चीता नहीं होंगे, क्लियर। तो जिस प्रकार से ये पेड़ पौधे क्या हैं, गाय, जिराफ, खरगोश के लिए प्राथमिक उत्पादक हैं, उसी प्रकार से यहां जो गाय, जिराफ, खरगोश हैं वो शेर, बाघ और चीता, हाइना के लिए भी उत्पादक हैं। तो इनको हम कहते हैं प्राथमिक उत्पादक और इनको हम कहते हैं द्वितीयक उत्पादक। यह भी बात आप अच्छी तरह संज्ञान में रखिएगा, क्लियर। कभी भी शेर, बाघ, चीता पेड़ पौधा नहीं खाएगा, ठीक है ना। जिस प्रकार से पेड़ पौधे इसके लिए उत्पादक है, इसीलिए गाय, जिराफ, खरगोश इसके लिए उत्पादक है। तो ये भी उत्पादक, ये भी उत्पादक, लेकिन ये पहला उत्पादक है तो प्राथमिक उत्पादक, ये द्वितीयक उत्पादक। फिर देखिए अगला होता है तृतीयक उपभोक्ता। तृतीयक उपभोक्ता में वे प्राणी आते हैं जो सर्वाहारी होते हैं, दैट मीन सभी को अपना आहार बनाने वाले, क्लियर। देखिए अगर ये नहीं होगा तो ये क्या करेंगे, सर्वाहारी, शाकाहारी खा लेंगे, शाकाहारी नहीं होगा तो पेड़ पौधों को खा लेंगे, अर्थात ये सबको खा सकते हैं, क्लियर। तो दोस्तों ध्यान देना, यहां पर ये सबको खाते हैं, जैसे कि मनुष्य है या कुछ पक्षियां होती हैं, ये सब किसमें शामिल हैं, सर्वाहारी में शामिल है, क्लियर। तो ध्यान देना, जो पेड़ पौधे होते हैं वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं, और वहीं सभी जंतु प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पेड़ पौधों को ग्रहण करके उनसे ऊर्जा प्राप्त करते हैं, क्लियर। जैसे कि हम लोग क्या है, हम लोग सीधा क्या खाते हैं, अनाज खाते हैं, तो हमने प्रत्यक्ष इसका उपयोग किया। लेकिन जो लोग मांसाहारी होते हैं वो क्या खाते हैं, बकरी खाते हैं, तो बकरी ने क्या खाया, घास खाया। यानी यहां पर वो बकरी के द्वारा अपना भोजन प्राप्त करते हैं, यानी बकरी भी घास ही खाती है, तो घास से ही वे अपना भोजन प्राप्त किए, लेकिन कैसे, बकरी के थ्रू, यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से। तो सभी जीवधारी इन्हीं पर आश्रित हैं, ये क्या होते हैं, प्राथमिक उत्पादक होते हैं। अब दोस्तों हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन आपको एक बात और ध्यान देनी है, जो जंतु होते हैं वो अपना भोजन प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, इन सब के रूप में ग्रहण करते हैं। फिर दोस्तों क्या है, दूसरा पॉइंट है, सजीव में श्वसन होता है। तो देखिए जो पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधों की पत्तियों में छिद्र होता है। जैसे मान लीजिए कोई ये पत्ती है, तो इन पत्तियों में क्या होता है, इन पत्तियों में छिद्र होता है, जिनको हम कहते हैं स्टोमेटा, या इनको हम रंध्र कहते हैं, इनको हम स्टोमेटा कहते हैं। इन्हीं स्टोमेटा के द्वारा पेड़ पौधे श्वसन की क्रिया संपन्न करते हैं। ध्यान रहे कि पेड़ पौधे भी जंतुओं की तरह ही अपनी श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, परंतु जब वह फोटोसिंथेसिस की क्रिया करते हैं तब वह कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, अर्थात
जंतुओं की तरह पेड़ पौधों भी श्वसन, पेड़ पौधे भी श्वसन की क्रिया में ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करते हैं, लेकिन जब पौधों में भोजन बनाने की क्रिया अर्थात प्रकाश संश्लेषण की क्रिया शुरू होती है तो वह कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं। यह आपको ध्यान रहे दोस्तों। बहुत से जीव ऐसे हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, जैसे कि स्कैरेज हो गया या फिर जीवाणु, ये दोनों ऐसे प्राणी है, ये क्या करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेते हैं अपनी श्वसन क्रिया में, लेकिन जो भी बड़े जंतु हैं वो सभी ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। और जो श्वसन क्रिया होती है, श्वसन क्रिया के द्वारा ही अंतिम रूप से ऊर्जा प्राप्त होती है माइटोकांड्रिया के अंदर, क्योंकि जब भोजन, पचा हुआ भोजन का जो अंग होता है ग्लूकोज, और जब हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, जब ग्लूकोज और ऑक्सीजन माइटोकांड्रिया में पहुंचते हैं तो माइटोकांड्रिया में पहुंचने के बाद दोनों में अभिक्रिया होती है और एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में ऊर्जा प्राप्त होती है। तो अंतिम रूप से ऊर्जा कैसे मिलती है, श्वसन क्रिया के बाद। और ध्यान देना आप लोग, एक वयस्क मनुष्य जो होता है लगभग 15 से 18 बार श्वसन क्रिया संपन्न करता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहां मैंने कुछ सजीव के श्वसन अंग लिखे हुए हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हो, मनुष्य, शेर, बाघ, गाय, क्लियर। मनुष्य, शेर, बाघ, पक्षी या फिर सांप या स्तनधारी या पक्षी वर्ग या सरीसृप जितने भी होते हैं उन सब में श्वसन अंग क्या होता है, आप यहां देखिए, फेफड़े अर्थात लंग्स होते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। देखिए, मक्खी है, फ्लाई, या फिर कॉकरोच या अन्य कीट, जो कीट होते हैं उनमें श्वसन अंग क्या होता है, ट्रैकिया होता है। बट ध्यान रहे, बुक लंग्स पूछा गया है कि बुक लंग किसमें होता है दोस्तों, अगर बुक लंग कभी अगर पूछता है आपसे तो आप बताओगे बिच्छू में। बुक लंग किसमें होता है, ये बिच्छू का श्वसन अंग है ना। चलिए फिर बात करते हैं केचुआ और जोंक की। अर्थवर्म और लीच की अगर हम बात करें तो केचुआ और जोंक में श्वसन अंग क्या होता है दोस्तों, उनकी त्वचा होती है, इसको स्किन कहते हैं। फिर देखिए मेंढक, मेंढक क्या है, ये उभयचर है, एम्फीबियन है, और मेंढक में दो प्रकार के श्वसन अंग होते हैं, एक जो जब वह स्थल पर होगा तब सांस लेने के लिए, और एक जब वह जल में होगा तब सांस लेने के लिए। जब मेंढक स्थल पर होगा तो फेफड़े द्वारा श्वसन क्रिया करेगा, और जब वह जल में होगा तो त्वचा के द्वारा श्वसन क्रिया संपन्न करता है। फिर देखिए ऑक्टोपस और मछलियां। ऑक्टोपस क्या है, एक एक्वाटिक एनिमल है, चाहे ऑक्टोपस या फिर फिश हो, तो ऑक्टोपस और अन्य मछलियों में श्वसन अंग क्या होता है, गलफड़ा होता है। एंड गाइस, व्हेल और डॉल्फिन, ये दोनों स्तनधारी हैं, दोनों मछली में आती हैं, और स्तनधारियों में श्वसन अंग क्या होता है, फेफड़ा होता है। यहां देखिए फेफड़ा और नासा छिद्र, देखिए ये दोनों मछलियां जब अंदर होती हैं पानी के तो श्वसन नहीं करती, लेकिन जब वो पानी के बाहर आती हैं तो श्वास लेती हैं, यह भी आपको ध्यान रखने वाली बात है। फिर दोस्तों आगे बढ़ेंगे तो अगला पॉइंट था सजीव में उत्सर्जन होता है, मैंने वह पॉइंट्स आपको बताया था। फिर देखिए हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों, उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया, मैंने क्या बताया आप सभी को कि जो भी क्रियाएं होती हैं हम क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं, यानी प्रत्येक एक्शन के अपोजिट हम लोग क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं दोस्तों, और यह क्रिया जो शुरू होती है उसको हम कहते हैं उद्दीपन, और पूरी क्रिया को हम कहते हैं अनुक्रिया। तो देखिए दोस्तों, ये उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया क्या है, जैसे कि मान लीजिए अभी हम लोग कुछ बहुत ठंडी या गर्म चीज है, जैसे कि बहुत ठंडी या गर्म चीज जैसे ही छूते हैं अपना हाथ तुरंत पीछे कर लेते हैं, ठीक है ना, ये क्या है, ये उद्दीपन के प्रति क्या हुई, अनुक्रिया हुई, क्लियर। फिर देखिए प्रकाश में, यानी जैसे रोशनी आती है, रोशनी को देखते ही कॉकरोच और छुछुंदर दोनों ऐसे प्राणी हैं जो रोशनी को देखते ही क्या तुरंत छिप जाते हैं, यह भी आप अच्छी तरह संज्ञान में रखिएगा। फिर देखिए मैंने कहा था मनपसंद भोजन, यानी कि जो भी आपका भोजन मनपसंद हो, चाहे मटर पनीर या कुछ भी हो, है ना, जैसे ही हम मनपसंद भोजन देखते हैं तो मुंह में क्या आता है, पानी आ जाता है, या दोस्तों सूर्य ढलने पर कुछ फूल मुरझा जाते हैं, या गुल मेहंदी जिसको हम कहते हैं छुई मुई, छुई मुई को छूने से उसके पत्ते क्या होते हैं, मुरझा जाते हैं। तो ध्यान देना ये सभी क्या होती हैं, सभी उद्दीपन के विरुद्ध क्या होती हैं, उद्दीपन के प्रति क्या होती हैं, अनुक्रियाएं होती हैं। दोस्तों पांचवा पॉइंट क्या था, सजीवों में इंद्रियां होती हैं। देखिए अगर सजीवों में हम इंद्रियों की बात करें
इंद्रिया का मतलब होता है सेंसरी ऑर्गेन। सेंसरी ऑर्गेन जैसे कि सुनने के लिए कान, देखने के लिए आंखें, कुछ स्मेल है या फ्रेग्रेंस है उसको सूंघने के लिए नाक, स्वाद लेने के लिए जीभ और महसूस करने के लिए त्वचा होती है। ये सभी क्या है, हमारे सेंसरी ऑर्गेन है। ये सभी हमारे, हम कह सकते हैं दोस्तों, ये जितने भी हैं ये हमारे उद्दीपन के अंग हैं, इंद्रियां हमारी हैं। अब हम अगर बात करें दोस्तों इसके बारे में, तो क्वेश्चन ऐसे बनता है कि जैसे कि ऐसे कौन कौन से कीट हैं जो अपने मादा की गंध से उस मादा को पहचानते हैं, ऐसे कौन कौन से कीट हैं जो अपने समूह को उसके डांस से पहचानते हैं, ऐसे कौन से जंतु हैं जो जो अपने मल मूत्र से अपने क्षेत्र को पहचान लेते हैं, या ऐसे कौन से जंतु हैं जो मनुष्य से चार गुना अधिक दूरी तक अपने शिकार को देख सकते हैं, या ऐसे कौन कौन से जंतु हैं जो अपनी मूंछों की आहट से अपने क्षेत्र को पहचानते हैं। तो बहुत प्रकार से क्वेश्चन यहां से बना हुआ है। जितने प्रश्न बने हुए हैं सारे पॉइंट्स मैं लेकर के आपके सामने आया हूं। इस पॉइंट्स को जैसे मैंने लिखा हुआ है बिल्कुल आप वैसे लिखिएगा, आपका निश्चित ही एग्जाम में आपको यहां से बेनिफिट मिलेगा। चींटियां अपने समूह की पहचान उनकी गंध से करती हैं। आप देखते होंगे चींटियां बिल्कुल लाइन से चलती हैं, है ना, बिल्कुल सीरीज चलती हैं। तो कैसे पहचानती हैं, जब वो चलती हैं तो कुछ गंध छोड़ती हैं और उसी गंध से अन्य चींटियां अपने समूह को पहचान लेती हैं। देख कितनी बड़ी बात है। फिर देखिए बाज, चील और गिद्ध। दोस्तों पता होगा आप सभी को जो बाघ, बाघ, चील और गिद्ध होते हैं, इनके घोंसले सबसे ऊंचाई पर होते हैं, जिसमें कि चील जो होता है इसका घोंसला 6 फीट का होता है और चील के छोड़े हुए घोंसले में बाद में गिद्ध अपना प्रवास बनाता है। तो बाज, चील, गिद्ध की दृष्टि मनुष्य से 4 गुना तेज होती है और ये अपने शिकार को मनुष्य से 4 गुना तेज गति से, यानी अधिक दूरी से ही देख पाते हैं, ठीक है ना। और देखिए आगे, पक्षी एक वक्त में 2 वस्तुओं को देख सकता है। ध्यान देना, जो पक्षियां होती हैं उनकी आंखें सिर के दोनों तरफ होती है, इस तरफ। तो पक्षियां क्या होती हैं, एक ही वक्त में, एक ही समय में 2 वस्तुओं को देख सकती, परंतु यह कौवा क्या है, अपवाद है। कौवे को एक बार में एक ही वस्तु दिखाई देती है। और सबसे बड़ी बात, जो हमारी आंखों की पुतलियां होती हैं ये घूमती हैं भाई, ऐसे देखते हैं हम लोग, किसी को ऐसे देखते हैं, ऐसे देखते हैं, लेकिन जो जो पक्षियां होती हैं उनके आंखों की पुतलियां घूम नहीं पाती, इसलिए जब भी पक्षियों को कुछ देखना होता है तो अपना गर्दन पूरा घुमाती है, लेकिन मैना अपना गर्दन झटके से घुमाती है, यह ध्यान देना, और उल्लू अपना गर्दन पूरा घुमा लेता है, ठीक। चलिए अब मच्छर, हमारे तलवे की गर्माहट और शरीर की गंध। भाई हम कितना भी अंधेरे में रहें, कितना भी सिक्योरिटी से रहें, मोर्टिन ऑल आउट कुछ भी जलाएं, लेकिन मच्छर एक ऐसा प्राणी है जो हमको कहीं से भी ढूंढ निकालता है। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर से कुछ स्मेल आती है, उस स्मेल से या दोस्तों तलवे की गर्माहट से, इन दोनों से मच्छर हमको पहचान लेता है, हमको ढूंढ लेता है, हम कहीं भी छिप जाएं। फिर देखिए, सांप के कान नहीं होते परंतु यह कंपन से आहट पहचानता है। ध्यान देना, सांपों में कान बिल्कुल नहीं पाए जाते हैं, वो हमारी आहट से हमको पहचानते हैं, क्योंकि जब कुछ भी आहट होती है तो सांपों के अंदर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलती है जो उनके ब्रेन तक पहुंचती है, जिससे वह आहट को वह पहचान लेते हैं। फिर कुत्ता, बाघ, शेर अपने मल मूत्र की गंध से अपना क्षेत्र पहचानते हैं, ठीक है ना, यानी कि उनका भी एक एरिया होता है, और अगर उस एरिया की पहचान करनी हो तो क्या करते हैं, वो सूंघते रहते हैं, बार बार वो सूंघते रहते हैं मिट्टी को। क्यों? क्योंकि वो सूंघ कर मालूम करते हैं किसका एरिया मेरा है या शेर खान का एरिया है। फिर देखिए, रात्रिचर जीवों को केवल काला और सफेद दिखता है। दोस्तों चाहे रैकून हो या उल्लू हो या कोई भी नॉक्टर्नल एनिमल हो, रात्रिचर जीवों को हमेशा काला सफेद ही दिखाई देता है, यह बात आप अपने संज्ञान में रखिएगा। और अगर हम आगे बढ़े तो उल्लू काफी हद तक अपनी गर्दन पीछे कर लेता है, ये पॉइंट्स आपने देखा इसके पहले। मेंढक, छिपकली आदि जीव जीभ से अपना शिकार पकड़ते हैं, आपने देखा होगा मेंढक हो या छिपकली हो या सलामेंडर हो, ये हमेशा अपने जीभ से ही क्या करते हैं, शिकार को पकड़ लेते हैं। और छिपकली एक ऐसा जंतु है जिसमें एटमॉस्फेयर के आधार पर ही नर और मादा का चयन होता है, ध्यान देना। शेर, बाघ, चीता अपनी मूंछों से शिकार की आहट पहचानते हैं, सोचिए कितनी बड़ी बात है। शेर, बाघ और चीता अपनी मूंछों की आहट से शिकार को पहचान लेते हैं, और रात में शेर, बाघ, चीता मनुष्य की अपेक्षा 6 गुना तेजी से देखता है,
सोचिए 6 गुना तेजी से, आप अंधेरे में छिपे रहेंगे तब भी आपको ढूंढ निकालेगा। इस तरह से होते हैं शेर, बाघ और चीता, क्लियर। फिर देखिए कुछ कीड़े मादा की गंध से उनको पहचानते हैं, जैसे कि रेशम का कीड़ा होता है, रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं, आप इसका आंसर जरूर दीजिएगा, रेशम कीट पालन क्या कहलाता है। कुछ कीड़े मादा की गंध से उनको पहचानते हैं, जैसे क्या होता है, रेशम का कीड़ा। फिर कुछ कीड़े अपने समूह को नृत्य से पहचानते हैं, दोस्तों ध्यान देना, कुछ कीड़े अपने समूह को नृत्य से पहचानते हैं, जैसे क्या होती है, मधुमक्खी। मधुमक्खी ऐसा कीट है जो अपने समूह को क्या करता है, उसकी डांसिंग से पहचानता है। आप दोनों का आंसर देंगे, मधुमक्खी पालन किसे कहते हैं और रेशम कीट पालन किसे कहते हैं, आपके आंसर का इंतजार रहेगा। फिर दोस्तों पॉइंट क्या है, सजीवों में क्या होता है, प्रजनन होता है। जितने भी सजीव हैं उन सब में क्या होता है, प्रजनन की क्रिया होती है। जैसा कि हमें पता है जो निर्जीव होते हैं वो बच्चे उत्पन्न नहीं कर सकते, ये केवल सजीव ही कर सकते हैं। दोस्तों प्रजनन वह क्रिया है जिसमें जीवधारी अपने ही समान एक नए बच्चे को जन्म देते हैं, और इस बात का विशेष तौर पर आप ध्यान दीजिएगा कि प्रजनन की क्रिया के द्वारा जीवधारी अपनी प्रजाति को विलुप्त होने से बचाता है और अपने वंश को आगे बढ़ाता है। अगर हम बात करें प्रजनन की, तो दोस्तों यह कई प्रकार से होता है, लैंगिक, अलैंगिक, या फिर जो जंतु होते हैं उनमें भी अलग अलग प्रकार का प्रजनन होता है। और प्रजनन के आधार पर हम जीवधारियों को 2 भागों में बांट सकते हैं। ये भाग कौन कौन से होते हैं दोस्तों, या तो अंडयूज या फिर जरायूज, क्लियर। यहां आप देख सकते हो, एक है अंडयूज, इसको हम कहते हैं वीपी पैरा, क्लियर, और एक होता है वीवी पैरा। अगर हम इनकी बात करें तो एक है जरायूज, जरायुज में क्या होता है, शरीर पर बाल होते हैं, जैसे देखिए हम लोगों क्या है, त्वचा पर बाल होते हैं ना, तो हम लोग भी किसमें आएंगे, जरायुज में आते हैं। कान दिखाई देते हैं, देखिए कान दिखाई दे रहा है बाहर, तो किसमें है, जरायुज में है। और बच्चे को सीधे जन्म देते हैं और उनको दूध पिलाते हैं, जैसे कि मनुष्य है या फिर कुत्ता, गाय, शेर, तमाम स्तनधारी जो होते हैं वो सीधे बच्चे को जन्म देते हैं, यह बात आप संज्ञान में रखिएगा। एक होते हैं अंडयूज, इसको हम अंडप्रजक भी कहते हैं, अंडप्रजक, इसको अंडयूज भी कहते हैं। और अंडयूज वे जीवधारी हैं जिनके शरीर पर बाल नहीं होते, यानी इनकी शरीर पर बाल नहीं होते और कान नहीं दिखाई देते, कान अंदर होते। सोचिए पक्षियों के शरीर पर बाल नहीं बल्कि पर होते हैं, भूलना नहीं, उनके पर होते हैं, और पक्षियों में जो उनके कान होते हैं वो हमेशा अंदर की होते हैं, पक्षियां या अन्य चीजें होती हैं। फिर दोस्तों ये अंडे देते हैं, क्लियर, ये अंडे देते हैं, जैसे पक्षी है, मेंढक है, बतख है, सांप है, ये सभी क्या करते हैं, अंडे देते हैं, इनको हम अंडयूज कहते हैं। फिर देखिए ये ऐसा पॉइंट्स मैंने यहां नोट डाउन किया हुआ है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप सभी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और यहां से क्वेश्चंस पक्का बन जाता है। दोस्तों अगर बात करें हम जीव और उनके बच्चे, जीव और उनके बच्चे अगर इसकी बात की जाए, तो आखिर बछड़ा और बछिया, बछड़ा और बछिया किसके बच्चे को बोलते हैं, तो बछड़ा और बछिया बोलते हैं ऊंट के बच्चे को भी, हाथी के बच्चे को, जिराफ के बच्चे को, घोड़े के बच्चे को, जेबरा या यॉर्क, यॉर्क भी एक प्रकार का जैसे बैल होता है ना, उसी प्रकार का यॉर्क भी होता है। तो ऊंट, हाथी, जिराफ, जेबरा, यॉर्क, इन सभी के बच्चे को क्या कहते हैं दोस्तों, बछड़ा और बछिया कहते हैं। फिर देखिए पिल्ला पिल्ली, पिल्ला और पिल्ली है ना, तो पिल्ला और पिल्ली किसको कहते हैं, कुत्ता, शार्क, चमगादड़, ध्यान देना एक नया नाम मिलेगा आपको, शार्क, शार्क के बच्चे को क्या कहते हैं, पिल्ला पिल्ली बोलते हैं, है ना। फिर देखिए सावक, तो सावक बोलते हैं शेर, भालू, बाघ, चीता, इन सभी के बच्चे को हम क्या कहते हैं, सावक कहते हैं, ध्यान देना है। और देखिए चूजा, चाहे मुर्गी हो या पक्षी हो या कौवा हो, इनके बच्चे को चूजा कहते हैं। लेकिन एक नया पॉइंट है, पेंगुइन, पेंगुइन भी पक्षियों की श्रेणी में आता है, क्लास एवस में आता है, लेकिन यह उड़ नहीं सकता है और अधिकतम यह कहा जल में पाया जाता है। तो चूजा किसको बोलते हैं, पक्षी के बच्चे को, कौवे के बच्चे को और पेंगुइन के बच्चे को हम चूजा कहते हैं, पॉइंट को नोट कर लेना भाई। देखिए बन्नी, ये पूछा गया है परीक्षा में, सीटेट एग्जाम में, तो बन्नी किसके बच्चे को कहते हैं, खरगोश के बच्चे को, तो खरगोश के बच्चे को हम क्या कहते हैं, बन्नी कहते हैं,
मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। और दोस्तों ईयास, ईयास किसके बच्चे को कहते हैं? तो बाज के बच्चे को, बाज के बच्चे को ईयास कहा जाता है। नोट कर लीजिएगा पॉइंट। फिर देखिए योजी, योजी किसको कहते हैं? तो कंगारू होते हैं, कंगारू के बच्चों को योजी कहा जाता है। या भी देखिए बच्चा, तो बच्चा हम किसको बोलते हैं? कपी, जो कपी होते हैं, कपी के बच्चों को हम क्या कहते हैं? बच्चा कहते हैं। शिशु देखिए, ये बंदर के बच्चे को शिशु कहा जाता है दोस्तों। तो आपने देखा ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं और यहां से क्वेश्चंस 100% बने हुए हैं और आगे भी बन सकते हैं। तो आप सभी लोग इन पॉइंट्स को अच्छी तरह से नोट कर लेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ताकि आपको आगे आसानी हो इसे पढ़ने में। क्लियर? अब दोस्तों हम फिर पुनः उसी पॉइंट्स पर आते हैं। देखिए यहां पे लिखा था मैंने सजीव में गति होती है, बहुत सारी चीजें। तो गति का मतलब यह है कि कुछ जीव रेंग कर चलते हैं, कुछ उड़ते हैं, कुछ फुदकते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो उड़ते भी हैं, फुदकते भी हैं और चलते भी हैं। जैसे कि कॉकरोच, आपने देखा होगा कॉकरोच है, या फिर टिड्डा जो होता है ग्रास हॉपर, ये उड़ते भी हैं, फुदकते भी हैं और रेंगते भी हैं। तो आज का टॉपिक आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण था, इस पॉइंट्स को आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। यहां से प्रश्न बिल्कुल संभावना होती क्वेश्चन यहां से जरूर आए। और पिछली साल क्वेश्चन आया हुआ था कि ऐसा कौन सा पक्षी है जो अपना गर्दन झटके से पीछे घुमाता है, झटके से घुमाता है। तो पहला ऑप्शन था उल्लू।